अमृत जी एक बात बताइए, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन उसमें से एक बुक्स है जो मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी है, जीएसटी अर्थशास्त्र। क्या है वो जीएसटी अर्थशास्त्र, उसके बारे में बताइए, क्या आपने उसका सरलीकरण करा है और क्यों लोगों को वो किताब पढ़नी चाहिए? वास्तव में ये जैसा अर्थशास्त्र लोगों के समझ में आएगा कि जीएसटी का अर्थशास्त्र, जैसे आप भी अभी कह रहे हैं कि क्या सरलीकरण किया है, वास्तव में जो टैक्सेशन पॉलिसी है इंडिया की वो शुरू से ही अमीर लोगों ने अपने फेवर के अंदर बनाई हुई है। तो हम देखते हैं कि शुरू से हम सुनते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, पैसे से पैसा कमाया जाता है, मेहनत से कोई अमीर नहीं होता है। तो ये विरोधाभास तो हम बात तो करते हैं लेकिन इसको सुधार के लिए हमने कोई इम्प्लीमेंट का विचार नहीं करते हैं। अब विचार क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि विचारवान लोग जो फिर वो पैसे वाले लोग बन जाते हैं या पैसे की तरफ भागने वाले लोग बन जाते हैं। तो जहाँ एक ओर तो पैसे से पैसा कमाया जाता है, धाओ उस दूसरी ओर जो है इन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी भी ऐसी बनाई है कि गरीब आदमी का पैसा अमीर आदमी की तरफ जाता है। तो जब गरीब आदमी को टैक्स लगा के अमीर आदमी को दे दिया जाएगा तो डिस्पैरिटी तो बढ़नी लाजमी है। तो मैंने एक तो इसी बात को इसमें प्रोपाउंड किया है कि आपकी टैक्सेशन पॉलिसी से जो आपका आजकल जिसको जी आप जीएसटी के नाम से पॉपुलर हो गई है, हालांकि ये जो टैक्स जो है वो पहले से चलता आ रहा है। तो पहले जो टैक्स चलते थे वो 25-30 प्रकार के ही नहीं, 100 से ज़्यादा प्रकार के टैक्स थे और वो थोड़े थोड़े टैक्स होते थे। तो कभी किसी को एक टैक्स लागू पड़ता था, कभी दूसरे को दूसरा टैक्स लागू पड़ता था। तो अब इन सभी टैक्सों को इकट्ठा करके जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा कर दिया है। अब ये जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा कर दिया तो अभी लोगों को पता लगता है कि 28% तक जीएसटी है। अभी कुछ चीज़ों पर 28% जीएसटी, किसी पे 18% जीएसटी, किसी पे 12% जीएसटी। तो यदि हम एवरेज करें तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर 20% का एवरेज इसका लगा लें, औसत जीएसटी जो है वो 20% के आसपास लगता है। तो आदमी जो 100 रुपये कमाता है और फिर 100 रुपये खर्च करने जाता है तो 80 रुपये की तो चीज़ आती है उसकी, और 20% तो उसका सरकार के सो कॉल्ड सरकार के खाते में, जो मैं समझता हूँ सरकार के खाते में नहीं जाता है। तो 80% जो है उसके व्यापारी के सीधे खाते में जाता है और चीज़ तो उसके हाथ में 20 रुपये की आती है, वो दूसरा विषय है। तो कुल मिला के ये सीधे सीधे रूप से सरकार ने एक नीति बना दी है, मैं इसको कहता हूँ कि जीएसटी जो है वो कानूनी लूट है, या इसको कहेंगे कानूनी अत्याचार है, क्रुएलिटी जिसको हम कहेंगे है? क्योंकि ये जो है गरीब के ऊपर भी वैसा ही लगता है और अमीर के ऊपर भी ऐसा लगता है। एक ही चीज़ जो है मजदूर जो है वो एक माचिस की डिब्बी खरीदेगा और यदि माचिस की डिब्बी की ज़रूरत अंबानी को पड़ती है तो उसको भी उसके ऊपर जो है उतना ही पैसा देना पड़ेगा, उसको भी इतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मैंने इस पुस्तिका के अंदर वही प्रोपाउंड किया है। तो एक तो ये जो जीएसटी है ये आम लोगों से पूछा जाए तो कहते हैं भाई जीएसटी जो है वो आप किसको देते हो, तो वो कहते हैं सरकार को देते हैं। लेकिन हम पूछते हैं सरकार को कैसे देते हो, तो वो बंगले झांकने लगते हैं, क्यों फिर तो उनके समझ में आता है कि हाँ हम सरकार को तो देते नहीं हैं, हम तो दुकानदार को देते हैं। तो अब वो दुकानदार के पास सरकार के पास जाता है नहीं जाता है, कितना सरकार के पास चाहे कितना नहीं जाता, मैंने इसमें प्रोपाउंड किया है। अभी आप जानते हैं कि देश के अंदर कालाबाजारी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अभी एक हमारे यहाँ के JNU के प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, उन्होंने 2012 में एक पत्र जारी किया था जिसमें बताया था कि देश की 2/3 जो अर्थव्यवस्था है वो ब्लैक इकोनॉमी है जी। तो जब ब्लैक इकोनॉमी है तो ब्लैक इकोनॉमी का लेन देन जितना होगा और उस लेन देन पर जितना GST कटेगा वो ब्लैक इकोनॉमी ही जाएगा जी। तो जब आप देखेंगे कि देश की 2/3 इकोनॉमी भी ब्लैक इकोनॉमी है तो 2/3 GST जो इकट्ठा किया जाता है वो व्यापारियों और उद्योगपतियों की जेब में सीधा चला जाता है जी। तो मतलब ये हुआ 300 रुपये का यदि हमने 300 रुपये का GST आम जनता ने दिया है तो 200 रुपया GST तो व्यापारी की जेब में सीधा चला गया। अब बाकी बचता है 100 रुपया, तो 100 रुपया जो है वो मान लेते हैं कि सारा का सारा सरकार के खाते में चला गया जी। तो फिर सरकार भी इसका क्या करती है, सरकार जो है इसका 50% से 77% तक वो लोगों को राहत के रूप में दे देती है। आप जानते होंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह बनता है या जहाँ पे लोग कहती है, जहाँ पे सरकार कहती है कि यहाँ पे व्यापार लगाओ तो आपको छूट दे देती हैं जी। तो ये व्यापारियों को और उद्योगपतियों को जो छूट दी जाती है वो भी राजस्व आय जो होने वाली होती है उसका 50% से 77% तक छूट दे दी जाती है। तो अभी आप देखो तो कितना बचाएगा, तो 100 में से मान लो 50% की छूट देती तो 50 रुपये बचा, 77% की छूट दे दी तो
23% बचा। तो जो 300 रुपए का हमने जो है टैक्स दिया था, वो 300 रुपए का टैक्स सरकार के यूज में आते आते 23 रुपए हो गया सिर्फ, जो है अब इसको कितना मानेंगे अब जो है। तो ये जो है ओवरऑल का जो है लगभग 9-10% के आसपास है जी। तो ये इनकी सरकार की शुद्ध आय होती है। मैंने इसमें वही बात प्रोपाउंड करने की है, और इसका उद्देश्य ये है कि समाज में से डिस्पैरिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, भुखमरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और बेरोजगारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये कहा है इसके अंदर कि आप सरप्लस प्रॉपर्टी जिनके पास है, उस प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ आय उत्पन्न करती है। तो जो सरप्लस प्रॉपर्टी है, सरप्लस प्रॉपर्टी को मैंने डिफाइन किया है 25 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी। तो जो 25 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सरकार जो है वो मात्र 6% का टैक्स लगाए। तो ये जो 6% का टैक्स लगाएंगे, इसी से सरकार को लगभग 288 लाख करोड़ रुपए का जो आमदनी हो जाएगी। तो ये 288 लाख करोड़ की आमदनी इतनी बड़ी है कि इसी में से हर एक देशवासी को 12,500 रुपया महीना भत्ता दिया जा सकता है, जिससे वो अपना जीवन जो सुचारू रूप से चला सके। तो जब इतना पैसा लोगों के पास आएगा तो देश के अंदर से जो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जब चीज़ों की बेतहाशा डिमांड बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये इतना पैसा हर एक आदमी के हाथ में आएगा तो जो आज हम भुखमरी की बात करते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, कुपोषण की बात करते हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है सिर्फ छोटा सा एक उपाय है, और इससे जो है पूरी की पूरी जो है देश की अर्थव्यवस्था और देश का जो परिस्थिति है वो सारी बदल जाने वाला है। अब इसके अंदर विरोध ये है कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो सारे के सारे अमीर लोग हैं, तो आज तो उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है। यदि ये पॉलिसी को अपना लिया जाए तो उनको टैक्स देना पड़ेगा और बाकी देशवासी टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। फिर जब टैक्स से मुक्त हो जाएंगे, और टैक्स से मुक्त ही नहीं हो जाएंगे बल्कि उनको पैसा भी मिलेगा तो वो मजबूत हो जाएंगे। तो आज जो पैसे वालों को फ्री की लेबर मिल जाती है, वो फ्री की लेबर मिलना बंद हो जाएगी। तो वो जो आज ऐशो आराम के अंदर पल रहे हैं तो उनको भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस विरोधाभास के कारण जो है ये अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए जो है एक जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक बना के उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये जो है जो हम डिस्पैरिटी वगैरह देख रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए हमारी यही मूवमेंट है, और हम इसी के प्रचार प्रसार के अंदर लगे हुए हैं। हमारा इसके अंदर लक्ष्य ये है कि मार्च तक जो है हम लोगों के बीच में इस बात को प्रचारित कर दिया जाए और लोग तैयार हो जाएं, और लोग जो है सरकार से मांग करें कि आप GST और इनकम टैक्स हटा दीजिए और इसके जगह पे वेल्थ टैक्स लेके आइए। जो वेल्थ टैक्स को सरकार ने 2015 में हटा दिया था कि वेल्थ टैक्स से इनकम नहीं होती है, जबकि उसको चाहिए ये था कि देश के अंदर इतनी दौलत है, दौलत के ऊपर टैक्स लगते हैं उससे तो इनकम होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वेल्थ से इनकम नहीं हो सकती है, इनकम नहीं होती है और इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बड़ा विरोधाभास है, हम ये आम जनता को इसके लिए प्रचारित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम मार्च महीने तक जो इसको सफल हो जाएंगे, और अगले आने वाली कोई भी सरकार आएगी केंद्र में वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप थे अमृत लाल जी, जिन्होंने GST को बहुत बारीकी से पढ़ा और उसको निष्कर्ष निकाला है कि GST जो है उसको पहले लॉन्च करने से पहले उसको बहुत अच्छे से रीडिंग करना चाहिए था, जिसको लॉन्चिंग कर दिया है। ऐसे में इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।